यूँ तो हमारी पृथ्वी पर एक से बढ़कर एक बड़े बड़े पर्वत मौजूद हैं, लेकिन बात अगर दुनिया के सबसे रहस्यमयी पर्वत की जाए तो ऐसे में कैलाश पर्वत का नाम इस लिस्ट में सबसे ऊपर आता है, क्योंकि ये पर्वत इतना ज्यादा रहस्यमयी है कि आज तक दुनिया का कोई भी इंसान इस पर चढ़ाई करने में असफल रहा है। तिब्बत में मौजूद इस पर्वत को हिंदू धर्म के अंदर पवित्र माना जाता है, क्योंकि दोस्तों पौराणिक कथाओं में इस माउंटेन को सृष्टि के निर्माता कहे जाने वाले भगवान शिव का निवास स्थान बताया गया है। इस पर्वत से जुड़े ऐसे सैकड़ों रहस्य हैं, जिन्हें आज तक दुनिया का बड़े से बड़ा वैज्ञानिक भी नहीं सुलझा पाया है। और दोस्तों आज की हमारे इस वीडियो में भी हम आपको कैलाश पर्वत से जुड़े उन्हीं रहस्यों के बारे में बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों अब बिना कोई देर किए इस मिस्टीरियस वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। दोस्तों जैसा कि हमने आपको बताया कि हिंदू धर्म में कैलाश पर्वत को पवित्र माना जाता है, क्योंकि हिंदू धर्म के ग्रंथों और पौराणिक कथाओं में ये कहा गया है कि भगवान शिव ने कैलाश पर्वत पर ही अपनी समाधि लगाई थी और आज भी वो अपने परिवार के साथ इस पर्वत पर रहते हैं। हालांकि दुनिया के कुछ दूसरे धर्मों में इस पर्वत को लेकर अपनी अलग मान्यताएं हैं। तिब्बत में रहने वाले बौद्ध धर्म के अनुयायियों का ऐसा मानना है कि बुद्ध भगवान के अलौकिक रूप डेमचौक कैलाश पर्वत पर ही रहते हैं, इसलिए दोस्तों बौद्ध धर्म में भी इस पर्वत को पूजनीय माना जाता है। इसके अलावा जैन धर्म के लोग ऐसा मानते हैं कि उनके प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव को इसी पर्वत पर निर्वाण की प्राप्ति हुई थी और वे लोग कैलाश पर्वत को अष्टापद कहकर बुलाते हैं। दोस्तों इस विशाल पर्वत की ऊंचाई 21,778 फीट के आसपास है और इसके पश्चिम और दक्षिण दिशाओं में मानसरोवर और राक्षस ताल नाम की मशहूर झीलें मौजूद हैं। साथ ही इस पर्वत से दुनिया की कई मशहूर नदियां भी निकलती हैं, जिसमें ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलुज जैसी विशाल नदियों के नाम भी शामिल हैं। अब ऊंचाई के हिसाब से अगर देखें तो ये दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत नहीं है, क्योंकि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 29,031 फीट है, जो कि कैलाश पर्वत से कहीं ज्यादा बड़ा है। लेकिन दोस्तों कैलाश पर्वत की खूबियां उसकी ऊंचाई में नहीं बल्कि उससे जुड़े रहस्यों में पता चलती है। इस पर्वत को यदि दूर से देखा जाए तो ये बर्फ में ढके हुए एक विशाल शिवलिंग के जैसा नजर आता है। और दोस्तों इस पवित्र पर्वत को देखने का मौका केवल उन्हीं खुश नसीबों को मिलता है जो अमरनाथ की यात्रा पर जाते हैं, क्योंकि इस यात्रा के दौरान लोगों को तिब्बत की पर्वत श्रृंखलाओं से गुजरना पड़ता है, जहां दोस्तों ये भव्य पर्वत नजर आता है। कैलाश पर्वत का सबसे बड़ा रहस्य ये है कि आज तक कोई भी इंसान इस पर चढ़ाई नहीं कर सका है, जबकि दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट पर अब तक 5,000 से ज्यादा लोग चढ़ाई कर चुके हैं। बताया जाता है कि कोई व्यक्ति अगर कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश करता है तो रहस्यमय तरीके से उसकी मौत हो जाती है। दुनिया के बहुत से लोग जो इस पर्वत पर चढ़ने की कोशिश किए हैं, आज तक दोस्तों वो लौट कर नहीं आ पाए। कोई नहीं जानता कि कैलाश पर्वत पर आखिर उन लोगों के साथ क्या हुआ था। लोगों के इस पवित्र पर्वत पर ना चढ़ पाने के पीछे कई अलग अलग वजहें बताई जाती हैं। हिंदू धर्म के बहुत से लोग ये मानते हैं कि जो व्यक्ति दुनिया में अच्छे कर्म करता है उसको मरने के बाद कैलाश पर्वत में जगह दी जाती है, क्योंकि दोस्तों इस पर्वत को अच्छी आत्माओं का घर माना गया है। इसके अलावा इस जगह को अलौकिक शक्तियों का केंद्र भी माना जाता है। लोग कहते हैं कि कोई भी जीवित इंसान इस पर्वत की चोटी पर नहीं पहुंच सकता। कैलाश पर्वत के बारे में इसी तरह ना जाने कितनी कहानियां मशहूर हैं और बहुत से लोग इन कहानियों के पीछे की हकीकत को जानने की कोशिश भी कर चुके हैं। ऐसी ही एक कोशिश साल 1999 में रूस के एक रहने वाले आंखों के डॉक्टर अर्नस्ट मुल्दाशेव ने भी की थी। डॉक्टर मुल्दाशेव ने कैलाश पर्वत पर जाने के लिए एक स्पेशल टीम बनाई थी। उनकी इस टीम में जियोलॉजिस्ट, फिजिसिस्ट और इतिहासकार शामिल थे। अपनी इस टीम के साथ मुल्दाशेव कई दिनों तक कैलाश पर्वत के ऊपर खोज करते रहे और जब वे इस पर्वत से लौटकर वापस आए तो उन्होंने इसको लेकर एक नई थ्योरी दुनिया के सामने रखी। डॉक्टर मुल्दाशेव ने दावा किया कि कैलाश पर्वत कोई पर्वत नहीं बल्कि इंसानों द्वारा बनाया गया एक विशाल पिरामिड है। उनका कहना था कि ये पिरामिड प्राचीन काल में बनाया गया था और ये चारों तरफ से छोटे छोटे पिरामिडों से घिरा हुआ है। हालांकि डॉक्टर मुल्दाशेव अपने इन दावों को कभी साबित नहीं कर पाए, लेकिन उनकी बातों ने कैलाश पर्वत को और भी ज्यादा रहस्यमय बना दिया। एक और चीज जो इस जगह को इतना मिस्टीरियस बनाती है वो ये कि यहाँ पर समय काफी तेजी से गुजरता है। ये सुनने में आपको भले ही अजीब लग रहा होगा, लेकिन यहाँ जाने वाले बहुत से लोग इस बात का दावा कर चुके हैं।
बताया जाता है कि हमारे बालों और नाखूनों की जितनी लंबाई 2 हफ्तों में बढ़ती है, उतनी कैलाश पर्वत पर सिर्फ 12 घंटों में ही बढ़ जाती है। लोग कहते हैं कि इस पहाड़ के इर्द गिर्द समय कुछ अजीब ही ढंग से चलता है। इसके अलावा यहाँ जाने वाले लोग अक्सर इस पर्वत के बारे में अजीब अजीब तरह की बातें बताते हैं। कुछ दिन पहले एक क्लाइंबर ने ये दावा किया था कि इस पर्वत को चढ़ना तो दूर की बात, इस पर कुछ पल के लिए ठहरना भी असंभव है। उसने बताया कि पर्वत पर जाते ही दिमाग में एक भ्रम सा पैदा हो जाता है, जिसकी वजह से इंसानों को दिशाओं का कोई भी अंदाजा नहीं रहता। दोस्तों इतना ही नहीं, इस पहाड़ पर मैग्नेटिक कंपास भी सही ढंग से काम नहीं करता। और ऐसा क्यों होता है, इसका जवाब किसी आम इंसान तो क्या वैज्ञानिकों के पास भी नहीं है। कुछ साल पहले रूस के एक मशहूर क्लाइंबर सर्गेई चित्सको ने कैलाश पर्वत पर चढ़ने की ठानी थी। हालांकि वो पर्वत के नजदीक तो गए, लेकिन वह उस पर चढ़ाई किए बिना ही वापस लौट आए। बाद में जब उनसे ऐसा करने का वजह पूछा गया तो उन्होंने लोगों को कई चौंकाने वाली बातें बताई। सर्गेई ने कहा कि जब मैं कैलाश पर्वत के नजदीक पहुंचा तो अचानक मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैं उस पर्वत के ठीक सामने खड़ा था जिस पर मुझे चढ़ाई करनी थी, लेकिन मेरा शरीर एकदम से कमजोर पड़ गया था। मेरे दिमाग में खुद ही ये ख्याल आया कि मुझे इस पर्वत पर नहीं चढ़ना चाहिए, और ये सोचकर मैं वहाँ से तुरंत वापस लौट गया। और जैसे ही मैं इस पर्वत से थोड़ा दूर हुआ, मेरी कंडीशन अपने आप ही नॉर्मल हो गई। दोस्तों इस तरह की घटनाएं कैलाश पर्वत के रहस्य को और भी ज्यादा उलझा देती हैं। वैसे तो ज्यादातर लोग यही जानते हैं कि आज तक इस पर्वत पर कोई भी इंसान नहीं चढ़ पाया है, लेकिन हम आपको बता दें कि एक व्यक्ति इस पर्वत पर चढ़ने में सफल हुआ था। दरअसल 11वीं शताब्दी में तिब्बत के रहने वाले एक बौद्ध योगी मिलारेपा इस दुनिया के वो पहले और आखिरी इंसान थे जिन्होंने कैलाश पर्वत की चोटी पर पैर रखा था। लेकिन बताया जाता है कि इस घटना के बाद से कैलाश पर्वत की कंडीशन हमेशा के लिए बदल गई थी। वैसे दोस्तों आज के समय की अगर बात की जाए तो इस समय इस पर्वत के ऊपर चढ़ाई करने पर रोक लगा दी गई है, क्योंकि भारत, तिब्बत और नेपाल के साथ दुनिया के कई देश ये मानते हैं कि ये पर्वत पवित्र है और इससे करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। इसलिए किसी भी व्यक्ति का इस पर्वत पर चढ़ाई करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। दोस्तों वेदों में कैलाश पर्वत को ब्रह्मांड का अक्ष बताया गया है, और आज दुनिया के बहुत से वैज्ञानिक भी इस पर्वत को धरती का केंद्र मानते हैं। वैज्ञानिक बताते हैं कि हमारी पृथ्वी पर धरती के एक तरफ उत्तरी ध्रुव है तो वहीं दूसरी तरफ दक्षिणी ध्रुव। इन दोनों ध्रुवों के ठीक बीच में हिमालय पर्वत मौजूद है, और हिमालय पर्वत का केंद्र कैलाश पर्वत को माना जाता है। कहते हैं कि जिस तरह नाभि हम इंसानों के शरीर का केंद्र होता है, ठीक वैसे ही धरती का केंद्र कैलाश पर्वत होता है। इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि ये धरती का वो बिंदु है जहां आकाश इस धरती से आकर मिलता है, और इसी बिंदु पर आकर दसों दिशाओं का मिलन होता है। दोस्तों धरती के इस केंद्र को अक्ष मुंडी के नाम से भी जाना जाता है। बहुत से लोग ये दावा करते हैं कि उन्होंने कैलाश पर्वत के आसपास आसमान में 7 अलग अलग तरह के प्रकाश को देखा है, और लोग इसको एक विशेष प्रकार की दिव्य रोशनी मानते हैं। इस सब के अलावा भी एक और चीज है, वो ये कि इसके आसपास हमेशा एक आवाज गूंजती रहती है। यदि आप मानसरोवर झील के पास जाएंगे तो पर्वत से आपको एक आवाज सुनाई देगी, जो गौर से सुनने पर एक डमरू के बजने और ओम के गूंजने की आवाज लगती है। हालांकि वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि ये आवाज हवाओं के पहाड़ों से टकराने और बर्फ के पिघलने के कारण उत्पन्न होता है, लेकिन दोस्तों ये वैज्ञानिकों का सिर्फ अनुमान है और वो आज तक इस बात को साबित नहीं कर पाए हैं। असल में दोस्तों इस आवाज का असली स्रोत आज तक कोई भी पता नहीं लगा पाया है, और यही सब चीजें कैलाश पर्वत को दुनिया का सबसे अनोखा और मिस्टीरियस पर्वत बनाता है। बाकी दोस्तों कैलाश पर्वत के बारे में आपका क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।